सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट 20 इयर्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने को मिनिमम 10 से 12 बार आ गया है. हर साल किसी ना किसी रीजन में तो ये क्वेश्चन आना ही है होते हैं. और क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेप्स लगते हैं, टाइम लग, एक छोटी सी गलती, एक कहेंगे कैलकुलेशन की मिस्टेक, आपके इतने सारे टाइम को और मार्क्स को लूज करवा सकता है. हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे. वेलकम टू माय चैनल अर्बन विद्या, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बाय मैथमेटिशियन शोभित जैन. तो होपफुली गाइज आप लोगों ने अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं क्विक ड्राइव पे वो कर लिए होंगे और साथ में शीट्स भी प्रैक्टिस बराबर चल रही होगी. आज हम इस क्विक ड्राइव का लास्ट सेशन देखेंगे फॉर द चैप्टर मैट्रिसेस. चलिए सो लेट्स बिगिन. ओके सो गाइस, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने बुलेट कॉन्सेप्ट में किया था. और क्या है ये क्वेश्चन, फिर क्या वो कॉन्सेप्ट था जो डिस्कस किया था, आई डिस्कस इट हियर अगेन. पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है. एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इज इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 6, 7, 3, 5, 1 माइनस 2, 4. ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ. सो गाइस आपने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इसे पहले दो पार्ट्स में पढ़ा था, फिर दो पार्ट्स से कंबाइन करके इसे कंक्लूड किया था. क्या कंक्लूड करा था आप लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. उसके पहले आपने दो फैक्ट और क्या पढ़े थे कि अगर मान लीजिए अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन तो a प्लस a देता था सिमेट्रिक और a माइनस a देता था स्क्यू सिमेट्रिक. इसके प्रूफ्स बुलेट कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं. तो मैंने क्या करा है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ये जो थर्ड थ्योरम है वो इन्हीं दोनों की मदद से बनाया है. सी हाउ, मैंने इसको अगर ऐसा लिख दिया कि a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, तो जरा ये मैथमेटिकली सॉल्व करके देखें अपन. ये कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका, 2 हो गया. a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज से a ट्रांसपोज कैंसिल और 2a नीचे डिवाइड हो जाएगा जब 2 से तो आपको वही मिलेगा आपका LHS में जो दिया हुआ है a. सो अल्टीमेटली हमको ये सब कुछ अप्लाई करके यहाँ दिखाना है. हम इसको इलस्ट्रेशन करेंगे, मतलब अभी अपने ये थियोरेटिकली प्रूव कर लिया था बुलेट कॉन्सेप्ट में, अभी ये वैल्यूज के साथ अपन लोग देखते हैं कि सचमुच ऐसा हो रहा है कि नहीं. चलो लेट्स बिगिन. ओके सो क्या देख रहे हैं आप लोग, आप लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास हमने जो ए लिया हुआ है मैट्रिक्स उसका हमने ट्रांसपोज कर लिया. पर ट्रांसपोज निकालना मतलब क्या है, जितनी भी आपको रोज दिख रही हैं उन्हें आप कॉलम्स बना दो तो अल्टीमेटली एलिमेंट्स जो एक्सचेंज होंगे वो ट्रांसपोज्ड हो जाएंगे. तो आप यहां पर देखें कि ये जो ए मैट्रिक्स है 2, 4, -6, इसको आपने अभी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लिख दिया 2, 4, -6, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 1, -2, 4, 1, -2, 4. तो इस तरीके से हमने साइड रोज कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिए हैं तो वो ट्रांसपोज निकल गया. याद रखना ये अभी बार बार करना पड़ेगा. तो अभी आपने सीख लिया कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं. अब यहां पर आप ये देखें कि p इज इक्वल टू मैंने हाफ ऑफ a प्लस a डैश डिफाइन किया. p क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने डिफाइन किया है. और इस तरीके के हर क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे, एक तो p और दूसरा q. और ये कैसे डिफाइन किया है, a प्लस a ट्रांसपोज, क्योंकि हम पहले से ये चीज़ जानते हैं कि a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है. अब उसमें कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर कांस्टेंट बाहर से, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस. तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर p को क्या लिखा, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज. हाफ पे ध्यान मत दो, वो आखिरी में ही काम आना है. यहाँ पर तुम्हारे पास जो है वो देखो a प्लस a ट्रांसपोज निकालना है, वो तुम्हारा मेन अल्टीमेट अगला गोल है. तो अब तुमने यहाँ पर a लिख दिया, a ट्रांसपोज जो निकाला था वो लिख दिया. अब दोनों को कर दो ऐड. ऐड करने पे तुम्हें रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे ऐड करने पे मिल रहा है 2+2, 4, 4+7, 11, -6+1, -5, 7+4, 11 एंड सो ऑन. ये सारे एलिमेंट्स ऐड करने पे आपको कंडीशन नंबर 1 दे रहे हैं. इसको नंबर देना क्यों जरूरी है बाद में समझ में आएगा. फिलहाल आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर मिल चुका है p. सो p की वैल्यू मिली है p इक्वल्स टू 1/2, 4, 11, -5, 11, 6, 3, -5, 3, 8. बिल्कुल भी जल्दी करने की नहीं है आपको कि हाफ अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, उसे बाहर ही रहने दो. अब अगर आप यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लो,
तो पी का ट्रांसपोज देना क्यों जरूरी है वो दो मिनट बाद आपको समझ में आने वाला है। आपको यहाँ पर पी का ट्रांसपोज लेना है, ले लिया तो आप यहाँ पर ट्रांसपोज देंगे, देखो सर सेम टू सेम चीज़ तो लिख दी है, एक्चुअल में सेम टू सेम आपको दिख रही है, मगर मैंने यहाँ पर क्या किया है वो आपको बताता हूँ। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको यहाँ पर लिखा, फिर ये वाली जो दिख रही है इसको यहाँ पर लिखा, और जो ये वाली दिख रही है इसको यहाँ पर लिखा। सो अल्टीमेटली लिखने के बाद यही तो सिमेट्रिसिटी यहाँ पे प्रूव हो गई कि मुझे जैसा पी लिखा मिला वैसा ही पी ट्रांसपोज मिला। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पी ट्रांसपोज के सामने पी ही लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक। तो ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि पी जो एक मैट्रिक्स मैंने बनाई है स्क्वायर मैट्रिक्स ए की मदद से, वो सिमेट्रिक है। अब इसी तरीके से क्यू को देखो, क्यू इज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मैंने डिफाइन किया है ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने ऐड किया था, वैसे यहाँ दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे आओ जरा आप, ये तो क्यू मिल चुका आपको, क्यू सॉल्व होने पे ये थ्री आपको कंडीशन जो दी हुई है, इसका ट्रांसपोज आपने लिया तो क्या हुआ, यहाँ पर आपने इसको इसको और इसको जब ऐसा लिख दिया तो आपने फिगर आउट किया कि क्यू ट्रांसपोज जो है दैट इज व्हाट 1/2 0 माइनस 3 माइनस, मतलब यहाँ 3 7, मतलब सारे साइन ऑपोजिट हैं, दिख रहे हैं आपको क्यू और क्यू ट्रांसपोज में। अब एक काम करो ना, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, आपने सारे एलिमेंट्स में से माइनस साइन कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये और जो कंडीशन नंबर थर्ड में क्यू है वो सेम है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का क्यू है, और यहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि क्यू इज इस क्यू सिमेट्रिक। 50 नहीं 90% काम हो गया। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ आखिरी का पोर्शन 10% काम, तो वो कैसे होगा, तो अभी बचा हुआ 10% काम कैसे करना है। ये बचे हुए 10% काम के लिए आपको कुछ नहीं, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 3 ऐड कर देनी चाहिए। जगह ऊपर दिख रही है, सो हेयर आई हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो करना सिर्फ इतना सा था ना कि ऐड कर दो 1 और 3 को, कर दिया, पी प्लस क्यू आया मेरे LHS में, देख सकते हो आप 1 के LHS में और 3 के LHS में क्यू था, फिर RHS में इन दोनों को ऐड करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर हाफ, दोनों का कॉमन निकाल के रखा हुआ है बाहर। अब जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल रहा है हाफ ऑफ 4 8 माइनस 12 14 6 10 2 माइनस 4 और 8। सो इस तरीके से यहाँ पर मुझे पास जो हाफ है अब उसे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो मिला 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4, मैंने देखा कि भाई ये तो ए के बराबर है जो मेरे क्वेश्चन में डिफाइंड ए था। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए मेरे क्वेश्चन का जवाब है।
और वो क्वेश्चन क्या था कि आपको मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस करना था एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हो चुका है। पी आप प्रूव कर चुके हो थर्ड एंड फोर्थ में, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ में, कि पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, हेंस कंप्लीटेड। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, और इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि लास्ट 20 इयर्स के पेपर भी अगर आप उठा लोगे, भले ही पैटर्न कैसा भी चेंज हुआ हो, मगर ये क्वेश्चन बहुत ही डोमिनेंट रहा है लास्ट 20 इयर्स में। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकालने को मिनिमम 10 से 12 बार आ गया है, और अगर मैं अलग अलग रीजंस जितने आपके सीबीएसई के बटे हुए हैं अगर मैं रीजन वाइज देखूँ तो हर साल किसी ना किसी रीजन में तो ये क्वेश्चन आना ही है। तो भाई आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखें। यहाँ एक दिक्कत बच्चों को और आती है, वो ये कि वो जब इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो कंफ्यूज बहुत होते हैं, और क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लगते हैं, टाइम लगता है, इसमें एक छोटी सी गलती, एक कहीं के कैलकुलेशन की मिस्टेक आपके इतने सारे टाइम को और मार्क्स को लूज करवा सकता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा इसका तरीका बेहतरीन बताने वाला हूँ, एक सीक्वेंस यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो जो आपका पुराना किया हुआ काम है, जो पुराने लिए हुए स्टेप्स हैं, वो एक एक करके चेक भी होते जाएंगे और डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा जब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं अभी इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर इस पर आपसे बात करता हूँ। हाँ, एक और बात, इस क्वेश्चन को देखने के लिए बुलेट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बढ़ाया था वीडियो चैप्टर का, वहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, तो वो प्रॉपर्टीज़ को आप देखेंगे। लास्ट में उस बुलेट कॉन्सेप्ट के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस की हुई हैं, तो वो आपको ज़रूर देखना है। सो गाइज ये एक लंबा सा क्वेश्चन है जिसमें तुम लोगों को हाई अलर्ट पर रहकर सॉल्व करना है, एक भी मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ेगी, डबल टाइम लग जाएगा। और मैं पहले बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें अलग से 10 से 15 मिनट का स्लॉट तो वैसे भी चाहिए है, और अगर गलती हो गई तो आधा घंटा खा लिया। तो भैया ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को अगर चॉइस में हो तो तुम्हें अवॉइड ही करना है, मैं सजेस्ट करूँगा, और अगर करना पड़ जाए तो ध्यान रखना जो स्टेप्स मैं आज बता रहा हूँ, जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो भाई सबसे पहला जो आप लोगों को यहाँ पर है, एक मैट्रिक्स अलग से साइड में बना के दिखा रहा हूँ जो कि सीक्वेंस को बताएगा। इसे लिखने के बाद मुझे कुछ नंबर्स लिखने हैं, वो नंबर्स की काउंटिंग किस तरीके से लिखनी है, या देखिए ये पहला लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा, ये आठवा और ये नौवा। यानी कि फर्स्ट इसे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे, सिक्स्थ इसे, सेवन्थ इसे, एट्थ इसे, इसे नाइन्थ, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है। आओ मैं अपना समझाता हूँ ज़रा इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके। सबसे पहले आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आपको रो ऑपरेशंस लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं। अनलाइक डिटर्मिनेंट्स जो कि आप अभी अगले चैप्टर में देखोगे, यहाँ आपको स्पेसिफिकली एक ही सीक्वेंस में चलना होगा, या तो रो ऑपरेशंस के या फिर कॉलम ऑपरेशंस के। मैंने अभी यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है, तो इसीलिए मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इसे करने वाला हूँ। वैसे एग्जाम में या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लिखा आएगा, और वरना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा आएगा, तो आप रो कॉलम कोई सा भी कर सकते हैं, मगर मैं रो को ही प्रेफरेंस दूंगा इन जनरल सभी बुक्स में, सब जगहों पर, क्योंकि ये सीक्वेंस याद करना है, एक ही सीक्वेंस तुम्हें याद हो जाए वही डिफिकल्ट काम है, तो फिर दो दो सीखे करोगे क्या। वेल यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले लिखना है ए इक्वल्स टू आई ए, जो कि एक पुरानी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका यूज़ आपको यहाँ पर करना है। ए जो यहाँ लिखा है एल एच एस में, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा ए मैट्रिक्स लिख देना है। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 3x3 का अगर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का ले लोगे। बगल वाला जो ए है ये एज इट इज चलता रहेगा। एट द एंड हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ए इक्वल्स टू आई ए है, यहाँ लास्ट स्टेप पर आकर आप क्या देखोगे, इट विल बिकम आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ ए। मतलब आपको
ऑपरेशन लगाकर इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। आपका ध्यान सिर्फ इस ए को आई में बदलने का होगा, लेकिन जो भी ऑपरेशन आप इस ए को आई बदलने में लगाएंगे वही सेम आपको इस स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जीक्यूट करना है। ये ए तो अभी हमने डिफाइन किया ही नहीं है, वो है वही का वही, लेकिन हम उसको वहां पर लिखने नहीं वाले हैं। अब यहाँ पर जो पहला ऑपरेशन मुझे करना है वो ऑब्वियसली बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सीक्वेंस तो मुझे मालूम है 1001001001। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी कन्वर्ट कर लो, मतलब कहीं पे भी वन बना लो कहीं पे भी जीरो बना लो। ऐसा करने में दिक्कत ये आती है कि हो सकता है कि आपने किसी एलिमेंट को पहले वन बना दिया जहाँ पर वन होना चाहिए था, या आपने ज़ीरो बना दिया जहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए था। लेकिन जब आप किसी, आपको 9 बार ऐसा करना है यार, 1010010, हो सकता है कभी किसी टाइम पर आपने जो पहले 0 बना दिया था अब उसके बगल में 1 बनाने के चक्कर में जो आपने 0 बनाया था वो डिस्टर्ब हो जाए और कुछ और नंबर देने लगे। तो ऐसे में तो हमारा ऑपरेशन लगाना बेकार हो गया, और पता नहीं ये चीज़ कब तक चलती रहेगी, इट विल बी अ एंडलेस प्रोसेस। बट मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 9 एलिमेंट्स हैं, 9 से ज़्यादा स्टेप नहीं लगने चाहिए, तो वो इंश्योर करेगा ये तरीका, ये सीक्वेंस जो मैंने लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करूँगा, यहाँ पर 1 बनाऊँगा। मगर ये सब स्टार्ट करने से पहले कुछ पहले से अगर बना हुआ हो, 1 वगैरह बना हुआ तो उसे उसकी सही पोजिशन पर आप पहुँचा सकते हो, 0 हो तो उसे उसकी सही पोजिशन पर आप पहुँचा सकते हो। मैंने अपने क्वेश्चन में देखा कि यार यहाँ पर 0 है, मुझे यहाँ 0 तो चाहिए ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 मुझे जहाँ पे भी चाहिए था तो मुझे 0 या तो यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए, तो मैं कहीं भी इसे चेंज कर सकता था। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर रो इंटरचेंज वाला एक ऑपरेशन लगा दिया, और मैंने यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन जो स्टार्ट किया था वो था R2 changes to R3। तो R2 R3 आपस में चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए। सो ऐसा आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमने चेंज कर दिए हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कराया तो राइट हैंड साइड में ही मुझे ये चीज़ फॉलो करनी ही करनी है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 3-2 7 ऊपर गया और 402 नीचे आ गया। सिमिलरली 001 ऊपर और 010 नीचे आ गया है। तो आपने ये पहला ऑपरेशन यहाँ पर लगाया है, और जैसा कि मैंने बोला था जो भी ऑपरेशन होगा वो बोथ साइड आपको लेके चलना है। अब नेक्स्ट कम्स यहाँ पर R1 changes to 1/2 R1। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि आपको यहाँ 1 बनाना है। तो याद रखें, अगर 1 ऑलरेडी बना बनाया है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कैसे बनाते हैं, जो भी एलिमेंट हमारे पास है, जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास कितना है, 2 है, तो आप उसी नंबर से डिवाइड कर दो पूरे के पूरे कॉलम को। नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव चीज से डिवाइड कर देते हैं, फिर हम यहाँ पर लेते हैं माइनस का 1/2। अभी फिलहाल यहाँ पर ये पॉजिटिव था, सो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से 1 बनाने के लिए, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमने पूरी की पूरी रो को चेंज कर दिया, R1 changes to 1/2 of R1। सो अल्टीमेटली 1-1/2 और ये हुआ 2। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 था, -1 था, 4 था, 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करने पे 1-1/2 2 मुझे मिल गया। उसी तरीके से यहां पर अपन आ गए तो ये मुझे मिला कितना, 1 0, और 0 को मल्टीप्लाई करने पे 1/2 1/2 0 और 0। गाइस, बाकी की जो 2 है उनके बारे में कोई बात नहीं की थी, तो उनको मैंने यहां पर पहले ही एज इट इज लिख दिया था। आपको यही करना है, जिस चीज में आपको ऑपरेशन लगाना है उसमें बाद में ऑपरेशन लगाना, जो अनचेंज्ड हैं उनको पहले लिख देना, सो दैट आपके 6 एलिमेंट्स में आप गलती करने के चांसेस मिनिमाइज कर दो, खत्म ही कर दो। अब आप यहां पर आएंगे अपने अगले ऑपरेशन पे। अगले ऑपरेशन के लिए जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से यहां पर 0 होना चाहिए, ये मैंने 2 लिखा हुआ है। तो ये 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है, R2 changes to R2 minus thrice of R1। तो R2 changes to R2 minus thrice of R1 क्यों करा, क्योंकि ये जो 1 बन गया है, 1 उसके नीचे और ऊपर होने वाले जितने भी जीरोस हैं उसे बनाने में हेल्प करता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो यहां पर अगर मुझे 0 चाहिए है तो इधर मुझे जो 1 मिला उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए। सो यहां वाले 3 को अगर हम फर्स्ट रो में बैठे हुए 1 से 0 बनाना चाह रहे हैं तो इसमें हमें 3 मल्टीप्लाई करना है। तो पूरी की पूरी रो 1 में 3 मल्टीप्लाई करके उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से, R2 में से। सो ऑपरेशन इज R2 changes to R2 minus thrice of R1। यहां पर ये हुआ 0,
ये यहाँ पर हुआ कितना आपका माइनस का 1/2 और ये कितना हुआ यहाँ पर आपका प्लस का 1। कैसे हुआ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करने पे 3-3 0, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 और प्लस का 3/2 सॉल्व होने पर देगा कितना माइनस का 1/2 और ये 2 3 6 7-6 करने पर आपको मिला कितना 1। इसी तरीके से यहाँ पर 0 में 3/2 आपने मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ ये माइनस का 3/2, देन 0 से कुछ होना ही नहीं है, यहाँ पे भी 0 है तो कुछ होना ही नहीं है, एज इट इज अपन ने इसे लिख दिया। अब आप लोगों के पास अगला जो मिशन है वो मिशन क्या है, अगला मिशन है कि आपको यहाँ पर अब 1 बनाना है। तो 1 बनाने का तरीका मैंने क्या बताया, जो भी है एलिमेंट उसमें मल्टीप्लाई कर दिया करो या डिवाइड कर दिया करो तो आपको वहाँ पे 1 बन जाए, ऐसा आपको सोचना है। अब यहाँ पे -1/2 मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि यहाँ पर अपन को प्लस का 1 मिले, तो मैं यहाँ पे -2 अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस एंटायर रो में तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस 1 मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए था वो अकम्प्लिश हो जाएगा। सो लेट्स डू दिस। अपन लोगों ने यहाँ पर R2 में मल्टीप्लाई करा माइनस का 2, मगर उससे पहले एक चीज़ जिसको चेंज नहीं कर रहे हैं उसे एज इट इज़ लिख दो, यानी कि ये दोनों एज इट इज़ लिख दिए यहाँ पर, ये दोनों एज इट इज़ लिख दिए यहाँ पर। अब जिस पे कैलकुलेशन करना है बस उसी को ध्यान देना है। तो -2 यहाँ मल्टीप्लाई करा 0, यहाँ मल्टीप्लाई करा प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करा माइनस का 2, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस का 3 हो गया, 0 एंड अगेन -2। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर लिया है। देन अगला ऑपरेशन आप देखें, R3 चेंजेस टू R3-4R1। क्यों किया ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हमने इसलिए किया क्योंकि अब हमारा जो मिशन था वो था कि अब हम यहाँ 0 बनाएं, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम लोगों ने R3 चेंजेस टू R3-4R1। वही बात कि अपन लोगों को जब भी 0 बनाना है तो अपन हेल्प किसकी लेंगे, अपन हेल्प लेंगे 1 की। तो आपको जिस जगह 0 बनाना है उसके ऊपर नीचे देख लो भाई, कहीं आपको मिल रहा है क्या 1, तो मुझे मिल रहा था यहाँ पर फर्स्ट रो में इसलिए उसकी मदद ली मैंने। सो 4 टाइम्स अगर मैं R1 को R3 से माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट द 0 एंड वही किया। सो इस तरीके से हर जगह ऑपरेशन कैलकुलेशन आप भी करके देखें और ये आपको मिल चुका है। नाउ कम्स द नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या सोच के लिया, जब ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है 2, लेकिन आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 0। तो अब अगली बारी थी इसकी, तो यहाँ 0 बनाने के लिए इसके वाली रो में कहीं पर 1 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर 1। तो आपने अब जब यहाँ पर इसको बनाया 0 तो कैसे बनाया, R3 और आप मदद ले रहे हो R2 के एलिमेंट की, तो R3 चेंजेस टू R3-2R1। ये ऑपरेशन R3 चेंजेस टू R2। तो इस तरीके से अपन लोगों ने यहाँ पर 0 बना दिया है। अब आपका अगला इस पूरे कैलकुलेशन करने के बाद जो अब अगला आपको यहाँ पे मिला वो कितना मिला है, -2 यहाँ पर मिला है और अपन को चाहिए यहाँ पर है प्लस का 1। अगला जो है हमारा 6th में प्लस का 1 चाहिए। तो अब ये प्लस का 1 बनाने के लिए आप यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको प्लस का 1 मिल जाएगा। सो इसीलिए पूरे R3 में आपने -1/2 मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो यू गॉट दिस पर्टिकुलर स्टेप। अब इस 1 को बनाने के बाद आपको यहाँ पर अटैक करना है और यहाँ पर आपको चाहिए है 0, जैसा कि मैंने लिखा है 7th ऑपरेशन। तो अब यहाँ पर 0 कैसे बनाएंगे आप, ऑब्वियस है अंडरलाइन 1 की मदद से बनाएंगे। सो इसलिए यहाँ पर R2 में हम ऐड करेंगे R3 को 2 मल्टीप्लाई करके, तो मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा एंड सो ऑन। ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए फिर अब अगले पे जाओगे और तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हें अब 8th में 0 दिखना है, यहाँ पर टॉप रो में है R1 में है और वो अंडरलाइन 1 आपको कहाँ पे मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है R3 में। हाँ, सो R3 की मदद आपने यहाँ पर लेनी है। सो R1 चेंजेस टू R1-2R3। तो ये ऑपरेशन बहुत ऑब्वियस आपको दिख गया है, आपने इसे एग्जीक्यूट कर दिया है। देन कम्स द लास्ट, यहाँ पर अब आपको 0 बनाना है, लास्ट ऑपरेशन यहाँ पर 0 बनाना है आपको। तो ये 0 बनाने के लिए अब आप यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं अंडरलाइंग आपको 1 मिल चुका है, इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 मल्टीप्लाई कर दें और इसे ऐड कर दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये 0 बन गया। साइमल्टेनियसली ये सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हमने इसको देखते हुए लगाए हैं मेनली, यहाँ पर कुछ जनरेट करते गए, रिजल्ट चेंज भी करते गए। लास्ट स्टेप में अल्टीमेट सारे मॉडिफिकेशन के बाद आपको जो मैट्राइसेस मिलेगी, मतलब जिस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे,
वही अल्टीमेट फाइनल आंसर है आपका, और ए इनवर्स हमने इसको बोल दिया, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी है, ये एक प्रॉपर्टी से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और लास्ट में जो कंक्लूड कर रहे हो वो दूसरी एक इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे देख ली कि अगर ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही आप और जानते हैं ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही वाली प्रॉपर्टी अगर आप एंड में देख पा रहे हो तो इस पोजीशन पे ए के बगल में जो है वो ए इनवर्स डिक्लेयर हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस चैप्टर। इतना अगर आप कर लेते हो तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, मगर रिक्वायर्ड ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2x2 वाला भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, 2x2 के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, 4 या 5 ऑपरेशन में उसे ख़त्म करना है आपको। 1 0 0 1, यहाँ सिक्वेंस क्या होगा, यहाँ सिक्वेंस होगा कि आप पहले इसे 1 बनाएंगे, फिर आप इसे 0 बनाएंगे, फिर आप इसे 1 बनाएंगे और फिर आप इसे 0 बनाएंगे। सेटमैक्स इस तरीके से 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स में आप इन्वर्स निकाल सकते हो 2x2 वाले का। तो चलो अब मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चाहिए ये कमिटमेंट कि शीट पूरी कंप्लीट हो जाए। डाउट्स तुमको जो भी हो वो तुम लोग डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, और ऐप भी जो हमारा आ गया है वो अब आपको कर लेना चाहिए अपने मोबाइल में डाउनलोड, सो दैट आपको एक्स्ट्रा मटेरियल और डाउट क्लियरिंग वहाँ पर हो सके। चलिए टिल देन गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।